और जो बच्चों के नंबर खराब हुए हैं वो बायो में हुए हैं, और आप लोगों को बायो इजी लग रही थी, इसका मतलब है आप लोगों ने ज्यादा कर दी नेगेटिव मार्किंग। आपको ऐसा लगा था क्वेश्चन पढ़ के कि ये पढ़ा हुआ है, ये ऐसा लग रहा था? मैम, सबको पूछ रही हो, यस मैम, यस मैम, ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा था यस ये कॉन्सेप्ट सुना सुना है। बायो में आपने मैक्सिमम क्वेश्चन मैम, अटेम्प्ट करें, क्या मैक्सिमम क्वेश्चन बायो में अटेम्प्ट करें। मैम सारे कर दिए, वो तो करते और लड़के बॉयज, व्हाट अबाउट यू, बोलो निशान। एम कर दिए तो सारे सारे कर दिए थे, आई थिंक सारे कर दिए थे, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई है। क्या था ना, सारे कैसे करे तुमने, क्योंकि फ्यूकस वगैरह तो हमने पढ़े नहीं था क्लास में। मैम 30 किए थे ना मैम, तो हाँ, उसमें से 8 गलत निकले और बाकी ठीक थे। मैम तो देखो ना, तुमने 8 गलत कर दिए तो 8 नेगेटिव हो गए ना, तो जो तुमने सही करे थे वो भी 2 क्वेश्चन के मार्क्स ही ले गया, -8, 4 पॉजिटिव मिलते हैं ना, तो 2 क्वेश्चन सही थे, वो भी गलत वाला नंबर ले गया तुम्हारे। इस चक्कर में तुम्हारे बायो में मेजर ड्रॉप आया है ना, सबसे कम नंबर बायो में बन रहे हैं देखा जाए तो कंपैरेटिवली, एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपको लगा कि आपको पेपर आता है इसमें ना, नहीं है क्वेश्चन से बेटा आप लोगों को साथ जो हुआ है वो बता रही हूँ मैं, कि आप लोगों को ऐसा लग। हाँ बेटा, अटेंडेंस अब लास्ट में, हाँ दे हो गई, तो आप लोगों को ऐसा लगा आपको आता है, इस चक्कर में आपका बायो का पेपर खराब हो गया। ओके, तो इस वजह से, कोई ना, लेने का बाद में लेती हूँ, तो इस वजह से आप लोगों की नेगेटिव में चले गया। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको समझना पड़ेगा कि आपको बायो इजी लगेगी लेकिन उसके चक्कर में आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के 100% श्योरिटी है यही आंसर है, वो ऑप्शन करके आना है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा आंसर सी है तो ए बी और डी क्यों नहीं है। अगर आपको पता है कि ये क्यों नहीं है तभी आंसर सही है आपका, तब आपको इसको टिक करना है। आपने क्या किया, आपको जो फेमिलियर से वर्ड लगे आपने उसको टिक कर दिया, इस वजह से नेगेटिव में चला गया है। ठीक है, तो मैम। हम लोग अभी मार्क्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमारा फोकस यही है, तो हमारा आज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करें प्लांट्स के अंदर, और हमें सीखे क्वेश्चंस के साथ कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। एक बात याद रखना, तुम जितना भी पढ़ो, कोई कितना भी पढ़े, मैं भी पेपर देने जाऊंगी, देयर विल बी एटलीस्ट वन क्वेश्चन जो समझने में दिक्कत होगी कि कहाँ से आया है, कि ये तो हमें आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, ये नहीं लग रहा, समझ आ रहा है कहाँ से आया है। सो देयर विल बी 1, 2, 3 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे हर पेपर में, एंड दोज आर द क्वेश्चन यू आर सपोज टू लेफ्ट, आप उसको छोड़ दोगे, लीव कर दो उसको। तो आपके पेपर में भी जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपको छोड़ना था, क्योंकि फ्यूकस वाला क्वेश्चन तो हमने किया नहीं था ना, वो तो आपको 11th ग्रेड से है, अगर आपको 11th ग्रेड आती तो बात थी, लेकिन आप लोगों ने वो कर दिया तो वो नेगेटिव मार्किंग दे गया। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोगों को टेक्निकली नहीं आते होते अगर आपने 11th नहीं करी है सही से, तो अगर वो नहीं आते हैं तो आपको वो छोड़ने थे, इसलिए वो उस पेपर में थे, आप लोगों ने वो भी अटेम्प्ट किए, इस वजह से कट हो गया। राइट, तो हमको सीखना है कि हमें क्या क्वेश्चन छोड़ना है। याद रखना सारे बच्चे, ध्यान से सुनो, कि सिलेक्शन उसकी नहीं होती जो सारे आंसर सही करके आता है, सिलेक्शन उसकी होती है जिसको पता होता है गलत से बचना है, वो गलत नहीं करके आता आंसर, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ओके, यस मैम, ओके, ऑल राइट, नाउ सो चलो रिकॉल टेस्ट करते हैं और क्वेश्चन करते करते सीखते हैं कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ उदय, बोलो 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 बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये बच्चे चैट सेक्शन में कुछ है। सारे इग्नोर कर दो चैट सेक्शन को फिर, ठीक है ना? क्वेश्चन मैम क्या हुआ का आंसर करो भाई, मैम, कम कर दिया मैम, कर दिया, गुड, फिर कर दी ओके। देखो हमारी क्लास में लगभग 41 बच्चे हैं, और मैं चाहती हूँ 41 के 41 की मेडिकल सीट निकल जाए। तुम्हारे पास ऑप्शन हो एमबीबीएस का भी, तुम्हारे पास बीडीएस भी हो, तुम बीएमएस भी के लिए ऑप्शन मिले हो, तुम्हारे पास वेटरनरी भी हो, तुम्हारे पास नर्सिंग भी हो, और तुम्हारे पास ऑप्शन हो बीएससी का भी। और अगर तुम अप्रैल से सिंसेयरली सिर्फ 1 घंटा क्लास में पढ़ के ध्यान से बात सुन लोगे और कर लोगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। फिर तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना है, तुमको डेंटिस्ट बनना है, वेटरनरी बनना है, एमबीबीएस बनना है, नर्सिंग में जाना है, या तुम्हें बैचलर्स करके आगे रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो मन करे करो, लेकिन सारे दरवाजे खुल जाएंगे अगर ध्यान दे दोगे, है
है ना, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो मैं डांटती रहूं कि बातें ना करो फिर तुम बातें करो, तो तुम खुद डिसाइड कर लो, सब बड़े हैं, है ना। तो देखो, इन अ फ्लावर द स्टेमन इज अ पार्ट ऑफ विच रूट। स्टेमन हमने याद किया था मेल के साथ, और मेल के साथ वर्ड क्या याद किया था, एंड्रोशियम एंड्रोशियम। तो आंसर वुड बी सी। हाँ, नाउ ट्राई दिस वन। गुड निशान बेटा, वो होता है अगर आयुर्वेदिक से आप करते हो ना डॉक्टरी, उसके लिए रवीन, सो दैट्स आल्सो एन ऑप्शन। गुड तनप्रीत। हाँ, द फंक्शन ऑफ ए फिलामेंट इज अ स्टेमन। अब स्टेमन जो होता है ऐसे ऐसे एंथर बनता है उसमें, और एंथर के ऊपर ऐसे फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है। To support हाँ, देखो, टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर के अंदर, है ना। तो ये आंसर नहीं हो सकता। टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, ये काम तो पेटल का था ना, फूल के, तो ये तो पेटल करता है, ये भी नहीं होगा। टू सपोर्ट एंथर, ये हो सकता है। टू सीक्रेट नेक्टर, नेक्टर तो फ्लावर करता है, ये भी नहीं करता, सेंटर में जाके फीमेल के। तो देखो, तुमको पता है ना तीनों क्यू गलत है और एक क्यू सही है, तो ये आंसर 100% है। जब आपको 100% कोई आंसर करेक्ट पता हो, आप उसको तब करके आते हो, ठीक है। फिर आप करके आते हो 75% पता हो। 75% का मतलब है, मान लो मुझे पता था आंसर मेरा सी है, मेरे को पता आंसर मेरा सी है, ठीक है, मैं इसके लिए श्योर हूँ। मुझे ये ऑप्शन भी समझ आता है, मुझे ये ऑप्शन भी समझ आता है, मुझे ना ये नहीं पता ये ऑप्शन किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ मैं कंफ्यूज होगी। लेकिन मुझे श्योरिटी है कि आंसर सी ही है, तो बेशक मुझे ऑप्शन ए की नॉलेज नहीं है, लेकिन आंसर मेरा सी है क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, मुझे क्लियरली याद है, तो ये 75% वाला होता है। फिर आप ये वाला ऑप्शन करते हो, ठीक है, तब भी आप इस आंसर को टिक करके आओगे। आप पता है कब टिक नहीं करके आते, जब कंडीशन ऐसी होती है, आपको लग रहा है कि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, इन दोनों का नहीं है लेकिन ए भी हो सकता है, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो। 50% चांसेस सही होने के, 50% गलत होने के भी है। इसको छोड़ देना, लीव नहीं करना, छोड़ दो। अगर पेपर के एंड तक तुमको याद आ जाए तो वापस आके इसे रिकॉल कर लेना, लेकिन ऐसे इसको छोड़ देना है, समझ आई। हाँ तनप्रीत बोलो। मैम, कई बार ऐसे हो जाता है कि मैम ऑप्शन वही होते हैं और क्वेश्चन उल्टा के डाल दिया होता है, फिर कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, तो तुमको पहले क्वेश्चन ही पढ़ना है ना, क्वेश्चन से समझना है वो तुझसे पूछ क्या रहा है, फिर ऑप्शन की तरफ जाना है, तो वो तो ऊपर नीचे करेंगे ही ना। मैम हाँ, मैम मुझे चार ऑप्शन सही लग रहे हो तो तो छोड़ देना उसे, ठीक है। अब आया लास्ट ऑप्शन, ये देखो, तुम्हें सिर्फ 100% जब करेक्ट पता है ना, तब आंसर टिक करना है। देखो, ये बात बेशक हम अभी नंबर नहीं देख रहे, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है कि तुम्हारे बायो में नंबर कम आ गए, होना नहीं चाहिए था ऐसे, ये टेंशन की बात है, क्योंकि बायो है जो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो ना, तो वहां पे भी नंबर कम आओगे तो कैसे चलेगा, राइट। 360 मार्क्स का पेपर होता है, और जो बच्चा ट्यूशन अच्छे से पढ़ता है वो बच्चा 300 ला सकता है आराम से, तो सच में आराम से आ जाते हैं, और तुम लोग ला सकते हो क्योंकि तुम एक्टिव होते हो, लेकिन अगर गलत करोगे तो दिक्कत है। तो जब 100% करेक्ट पता है, इसको टिक किया। फिर आता है 75% वाला, जिसमें तुम्हें तीन ऑप्शन की पूरी नॉलेज है, इसको भी टिक किया। फिर आता है 50% वाला, ए और बीच में कंफ्यूजन है, इसे कुछ नहीं करना, छोड़ दो। और फिर आता है आपका वही 25% वाला। तो मेरे को ऐसा लग रहा है सब कुछ थोड़ा थोड़ा सुना है, जब इसने बोला ना अभी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है, ये क्वेश्चन पक्का छोड़ देना, मैम लीव। इस पे वापस ही नहीं आना, रिटर्न ही नहीं करना, नो रिटर्न। जितनी मर्जी तुम्हें टेम्पटेशन हो, ऐसा लगे कि पेपर में यार मैंने 10 ही क्वेश्चन करे, देखो 10 क्वेश्चन सही करने से तो बेहतर है ना, मतलब 10 क्वेश्चन सही करो ये बेहतर है, या फिर 20 क्वेश्चन करो उसमें से 12 गलत हो जाए, 10 क्वेश्चन सही करने ज्यादा बेहतर है। हाँ, गेम है ना। तो इस पे कभी वापस नहीं आना, इस पे भी तुमको वैसे वापस नहीं आना चाहिए, नो रिटर्न। 75 पे अगर आपको कंफ्यूजन है, उस पे सर्कल लगा लो, वापसी में एक बार देख लेना, ओके। सो ये चीज को लिख लो वहां पे, मैम, याद रखना आपको सही से ज्यादा ये ध्यान रखना है गलत करने से बचना, उसी का क्रैक होता है। नाउ, तो आंसर इसका था सी, ये तो हमें पता ही था। चलिए आगे बढ़े, ये पॉइंट साथ साथ लिख लो, मैम ये कहीं मिलेंगे नहीं, ओके। नाउ ट्राई दिस वन, ध्यान से करना। जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है निशान, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा। को पढ़ते हैं। हाँ, रीड दी क्वेश्चन केयरफुली, पेंसिल रखते हैं उसके ऊपर,
मैम पेंसिल और वॉच, तब आप गलत नहीं करोगे, राइट? क्योंकि अगले साल इसी मंथ आप फाइनल तैयारी कर रहे होंगे अपने नीट के पेपर के लिए, आपके पेपर में 11 दिन होंगे, तो अगर अभी से तैयारी करोगे ना तो वो 11 दिन सुख से निकलेंगे, और नहीं करोगे तो बहुत परेशान होंगे। इतने परेशान होने की क्या बात है दीक्षा, मुंह क्यों बना रही है? मैं वो सोच रही थी मैम, वो 1 साल टाइम ट्रैवल कर लिया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन के सब्सटेंसेस करते हैं, पोलन पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाते हैं, जो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल करते हैं एंथर के अंदर, तो वो कौन सी लेयर थी? पोलन मदर सेल तो नहीं है, क्योंकि ये तो पोलन ग्रेन बनाते थे, स्टिग्मा तो फीमेल का पार्ट है, ये भी नहीं हो सकता। माइक्रोस्पोरेंजियम वो वाला रीजन था ना जहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा फिर पोलन बनेगा, तो ये न्यूट्रिशन थोड़े प्रोवाइड करता था, ये न्यूट्रिशन तो खाता था ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी बी। मैं श्योर हूँ कि टेपिटम ही आंसर होगा, करेक्ट? ट्राई दिस वन, बोलो दीपक, डाउट है? ओके बेटा चलिए ट्राई कर। गुड रिजुल, श्रियांश, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है निशान, गलत पढ़ा बेटा क्वेश्चन तूने। अनिशा बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़। गुड तन्वी, कोई बात नहीं। गुड रीनिका, वेरी गुड पूजा, शाबाश। देखो सबके नाम नहीं लेती तो माइंड ना करना, आंसर सबके देख रही हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे मुझे ये वर्ड दिखे नॉट, मैं सबसे पहले क्या करूंगी? तो वहां पे नोट लिखो, अपने कॉपी में नोट लिखो, अंडरलाइन यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो अपने कॉपी में लिखो अंडरलाइन इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना। अभी इम्पोर्टेंट वर्ड्स क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जैसे कि नॉट, इनकरेक्ट, सॉरी एंड करेक्ट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉल्स ट्रू, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ओके तो ये वर्ड लिख लो वहां पे, जब भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ऐसी चीजें जब लिखवा रही हूँ तो लिख लिया करो। डन, देखो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन की सिंथेसिस में कौन सा स्टेप नहीं होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव सेल, पोलन ग्रेन जब बनता है तो जनरेटिव सेल बनता है उसमें, ये पोलन ग्रेन है, ये जनरेटिव सेल होता है और ये ट्यूब सेल होता है, बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब सेल होती है, ट्यूब सेल का दूसरा नाम वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेरी गुड, शाबाश। डिवीजन ऑफ जायगोट होता है, जायगोट क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब आपस में फ्यूजन हो जाए तो जायगोट बनता है, फीमेल गैमेट तो आया ही नहीं है ना, तो जायगोट तो नहीं बना। नेक्स्ट पूरी स्टेटमेंट बन गया, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन को ही बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ना, तो ये तो हो ही रही है, तो मुझे क्या ढूंढना, मैं पीछे जाऊंगी, मुझे क्या ढूंढना, नॉट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? डिवीजन ऑफ द जायगोट, सी, आंसर वुड बी सी, समझ आ गया? यस मैम, बहुत गुड, ट्राई दिस वन, अच्छा ये तो रिपीटेड है, ओके जी डन, चलो अब करें फीमेल का पार्ट। जहां समझ नहीं आएगा वहां पे मुझे टोक देना, ओके? देखो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बुलाते थे? एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बुलाते थे? इस पूरे को क्या बुलाते हैं? स्टेमन, 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 और इसको हम एंड्रोशियम भी बोलेंगे, है ना?
एंथर और इसके नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट फिलामेंट क्वेश्चन ध्यान से सुना करो जल्दी इस बात के तुम्हें क्वेश्चन ध्यान से सुनो अब फीमेल की बात करो तो फीमेल के केस में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा ये जिसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड होता है ये स्टिकी स्टिकी होता है तो स्टिकी से हम याद करेंगे वर्ड स्टिग्मा स्टिग्मा जो उसके नीचे एकदम स्टाइल से जा रही है ये पाइप सी इसको हम बोलते हैं स्टाइल वाली इसे क्या बोलेंगे स्टाइल स्टाइल और जो नीचे बिल्कुल बेस पे स्वेलन सी होती है सूजी हुई सी होती है इसे हम क्या बुलाते हैं ठीक है सो दिस इज अ फीमेल पार्ट एंड ओवरऑल पार्ट इज नोन एज पिस्टल और कार्पल ओके दीक्षा कॉमेडी के मूड में आ जाओ जी चल आज देखो तो ये रहा मेरा स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी सही बात है ना मैम सही है सही है नो मैम हाँ तो क्लास में ध्यान से देखना होता भाई अब देखो अगर ये ओवरी है तो ओवरी के बीच में खाली जगह है इस खाली जगह को ओवरी के अंदर खाली जगह है उसको हम क्या बुलाते हैं लॉक्यूल तो व्हाट इज अ लॉक्यूल स्पेस स्पेस बिटवीन सॉरी स्पेस विद एन ओवरी इसके अंदर क्या है हमने भी नहीं पढ़ा तो स्पेस विद एन ओवरी को लॉक्यूल कहते हैं अब उसके अंदर क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे ओके एनसीईआरटी की लाइन है इम्पोर्टेंट है अब मैं कार्पल के बारे में आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि जो कार्पल होता है ना ये बड़ा अनोखी चीज है तो अगर ये फ्लावर है फ्लावर पे ये कार्पल देखो कितने बनाए हैं मैंने मेरे को ये बताना पहले बताओ मोनोशियस प्लांट है जायोशियस फ्लावर है ये मुझे बताओ कितने कार्पल बनाए हैं जब एक फ्लावर में एक ही कार्पल होगा तो हम उसे कहेंगे मोनो कार्पलरी मोनो मतलब एक ठीक है जी मैम अगर एक फ्लावर है उसमें एक से ज्यादा कार्पल है मैंने अरेंजमेंट नहीं बताई कैसे अरेंज है लेकिन एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं मोनो या मल्टी मल्टी सो दिस विल बी मल्टी मल्टी मतलब मेनी बहुत सारे कार्पल वाला ठीक है अब देखो तुम तीन दोस्तों राइट तो तीन दोस्तों की एग्जांपल से समझेंगे अंतरिक्ष है और आर्यन है और हमारे पास हरीश है ठीक है अब अंतरिक्ष आर्यन हरीश का क्या है ये बहुत अच्छे दोस्त है तो जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो एक ही सीट पे बैठते हैं अलग अलग सीटों पे बैठते हैं एक ही सीट है ना एक ही सीट हम दो एक सीट पे बैठते हैं और एक को निकाल देते हैं पीछे नहीं नहीं ये तुम्हारी दोस्ती में होता है तो तीनों दोस्त बिल्कुल साथ साथ बैठ गए ठीक है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स थे वो जब तीनों दोस्त साथ साथ बैठ गए यानी कि तीनों बोले ऐसे बहुत भी दोस्त हो सकते हैं जो सब एकदम साथ साथ बैठते तो हम उनको वर्ड यूज करते हैं सिन सिन मतलब फ्यूज एक दूसरे के साथ इतना बैठे हैं पास पास कि मगर मैम ने बोला एक को पनिशमेंट मिलेगी तीनों भर जाएंगे या साथ में मुर्गा बनेंगे तो अगर कार्पलरी बहुत सारी कार्पल्स है ठीक है अगर कार्पल फ्यूज रहे तो हम उन्हें बोलेंगे सिन कार्पल्स और अगर इनकी होगी लड़ाई ये बैठे अलग अलग तो हम इनको बोलेंगे एपोकार्पस एपो मतलब अकेले अकेले ओके बेटा जो कार्पल है ना मल्टी कार्पलरी कंडीशन है फ्लावर में तो जो कार्पल से रेंज है ना फ्लावर में वो अलग अलग तरीके से होते हैं या तो कार्पल फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ या अलग अलग पड़े होंगे जैसे अच्छे दोस्तों की तरह सारे कार्पल एक दूसरे में फ्यूज है तो हम उनको कहते हैं मल्टी कार्पस तो सॉरी सिन कार्पस ठीक है सिन कार्पस मतलब बहुत सारे कार्पल आपस में फ्यूज है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ये बात समझ आई और मल्टी कार्पस में एपोकार्पस होता है जब सारे दोस्त अलग अलग है सारे कार्पल अलग अलग पड़े हैं तो मुझे बताओ ये जो पिक्चर बी है ये किसकी है मल्टी कार्पलरी या मोनो कैपलरी की सिन कार्पस की एपोकार्पस सारे कार्पस साथ साथ पड़े हैं या अलग अलग पड़े हैं अलग अलग हाँ अलग एक दूसरे में फ्यूज तो नहीं है ना सो दिस इज एपोकार्पस
समझाया? अब बोलोगे आपने एग्जांपल नहीं बताया और सिर्फ कॉर्पस नहीं दिया, जब एनसीईआरटी में आएंगे तब करेंगे, अभी के लिए इतना जान लो बहुत है। ओके आगे चलते हैं, चलो ना आगे। अब तुम्हें याद रखना है लर्न लर्न लर्न, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट लर्न करना है तुम्हें, ठीक है? तीन सर्कल बनाऊंगी मैं, बड़ा सर्कल साथ में बनाऊ। तीन नंबर का क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन है नीट का, बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल के अंदर एक और छोटा सर्कल बनाओ, थ्री सर्कल्स ये सर्कल है, ठीक है? तीन सर्कल है जिंदगी में, तो सबसे बाहर वाला होता है ओवरी, उसके अंदर जो छोटा स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल, और बिल्कुल अंदर वाले को एग, ओवरी ओव्यूल एंड एग। देखो जो एक्सेल है, जो एक्सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना, तो वो जो एक्सेल है उसको तो तुमने बहुत अच्छे से छुपा के रखना है ना, उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन देने, क्योंकि इसने आगे जाके प्लांट बना देना है, तो एक्सेल बिल्कुल अंदर है, ओव्यूल उसने उसको कवर कर रखा है, और ओव्यूल को भी ओवरी ने कवर कर रखा है, ठीक है? तो ओवरी सबसे बड़ा वर्ड है यहाँ पे, ओके? देन अभी तीन सर्कल ऑफ लाइफ के बड़े होके प्लांट में क्या बनाते हैं ये हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे, लेकिन तुम ये तीन सर्कल याद रखना, मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम्हें मुझे सर्कल याद दिलाने होंगे, ठीक है? यो यो मैम, आपने जो लोक्यूल बताया था वो लोक्यूल, बेटे ये देख ये ओवरी है ना, यस मैम, तो जो ओवरी के अंदर की सारी स्पेस है, जितनी स्पेस है मैम, ओव्यूल के बाहर, ओव्यूल के अंदर ये सारी ओवरी, बेटा ये देखना इस पिक्चर में ओवरी दिख रही है तुझे, ये यस मैम, इसके अंदर जितनी स्पेस है ना उस स्पेस को लोक्यूल कहते हैं, समझ आया? ओके मैम, ठीक है, तो ये ओवरी है ना, ओवरी के अंदर वाली स्पेस को कहते हैं हम, ऑलराइट? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अभी बताओ कौन से पेज नंबर पे एनसीईआरटी के पिक्चर, 25, 95, 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
इनके नाम बताने हैं, ओके? घर से करके आना ये, अभी ढूंढने नहीं बैठने, ठीक है जी? ठीक यही होमवर्क है तुम्हारा। आओ भाई, है। अब मुझे एक बार याद दिला देना कि माइक्रोवर्ड किससे याद किया था, मेल या फीमेल? मेल मेल और मैग्नम किसका? फीमेल 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 सही है। गलत बोलते हैं। सिंबल गलत लिया है ना। गुड, अटेंटिव। चलो अब करते हैं हम प्रोटो प्रोसेस ऑफ इसका ओविल फॉर्मेशन, ठीक है जी? मेगा मतलब हम बात कर रहे हैं फीमेल की, स्पोरो मतलब हम बात करेंगे उसके स्पोर की, तो हम यहाँ पे बेसिकली उसके एग की बात करने वाले हैं, और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस या फॉर्मेशन, मींस बनाना किसी चीज को, है ना? तो मेगा स्पोरो जेनेसिस होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट विद इन द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेट बनता है उसका बेसिकली जो एग बनता है उसके प्रोसेस की फॉर्मेशन को हम मेगा स्पोरो जेनेसिस कहते हैं, ओके? यो मैम, ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बीच की डिफरेंस आना चाहिए आपको। अभी हम ये करेंगे नहीं, मैं आपको डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, फिर हम लोग स्ट्रक्चर के बाद उसको रिवाइज करेंगे, कल करेंगे हम ये पूरा, ओके? यो मैम, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये तुम ही मुझे लेबल करके दिखाओगे, हम नेक्स्ट पेज पे इसको बनाते हैं। तो मुझे बताओ इसको मैं क्या बुलाऊँ स्ट्रक्चर को, ये जो मैं बना रही हूँ अभी, क्या ये क्रिस्टल को इतने पार्ट को बेटा मैं माइक्रोस्कोप के अंदर कर लेती हूँ, ठीक है? मैग्निफाई कर लेते हैं। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। बेटा ये जो बिल्कुल स्वेलन रीजन है इसका, इसको क्या बुलाते हैं? ओवरी। ओवरी। मुझे बताओ ह्यूमन में जो बेबी होता है, जो बेबी है तो मदर से वो न्यूट्रिशन लेता है और उसको वेस्ट देता है थ्रू प्लेसेंटा, सुना होगा आपने? यस
यस मैम, तो मैम प्लेसेंटा से बेबी कैसे कनेक्ट होता है, थ्रू व्हाट? अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिकल कॉर्ड, है ना, अम्बिकल कॉर्ड, गुड। कौन था ये? दो लोग हाथ खड़ा करे, बताओ। अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है, दोनों ने अच्छा किया, गुड गिरेश निशान। अब देखो सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। इसने जो एग रखा है ओव्यूल के अंदर रखा था, ये मैंने बना दिया ओव्यूल, ये ना मेरा ओव्यूल है ना, ये मेरा ओव्यूल है, और मैंने प्लेसेंटा बना दिया यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये प्लेसेंटा है, प्लांट के पास भी प्लेसेंटा है, ऐसे मत समझना तुम उसको। प्लेसेंटा है, ओव्यूल है, तो इनके बीच में भी कोई कनेक्टिंग एम्बिलिकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। तो इनके बीच में देखो कितनी फनी बात है कि प्लांट के पास भी वैसा स्ट्रक्चर है जैसे लगभग हमारे पास है, तो इस फनी से स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। सो व्हाट इज अ फ्यूनिकल? इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स प्लेसेंटा टू ओव्यूल, और फ्यूनिकल इज अ स्ट्रक्चर व्हिच सपोर्ट्स द ओव्यूल। इसके ऊपर ही तो ओव्यूल लगा है, तो बात समझ आई? कोई बच्चे इसे समझ नहीं? समझाओ दोबारा, समझाओ दीक्षा, ध्यान दे। मैम वो पुराने वाले तो आ गए, बट ये प्लेसेंटा वाला नहीं आया टॉपिक। अच्छा कुछ नहीं है, पहले तो ध्यान से सुन, ठीक है, कुछ नहीं है। ये जैसे ओव्यूल है जिसके अंदर एग पड़ा होगा ना प्लांट का, तो ये ओव्यूल पड़ा ओवरी के अंदर, और इनमें भी प्लेसेंटा होता है हमारी तरह, एक प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। अब ओव्यूल और प्लेसेंटा को हमारी बॉडी में कौन कनेक्ट करता है? हमारी बॉडी में बेबी को प्लेसेंटा से कौन कनेक्ट करता है, ये येलो कलर का बनाया जो मैंने, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड ना। तो प्लांट के केस में वैसी सी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, व्हिच इज नोन एज, व्हिच इज फनी क्योंकि वो हमारे को याद दिलाता है हमारी बॉडी, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। तो देखो फ्यूनिकल इज अ स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से कवर कर कनेक्ट करता है, समझ आया? यस मैम। नेहा समझ आया बेटा? यस मैम। अच्छा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये तो मैं साइड में रेफरेंस के लिए बनाया था, मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, आई होप मैं बना लिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो मैं तुम्हारे घर पे आती हूँ, ठीक है, दरवाजा बंद है, अब मैंने नॉक 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 किया है ना, नॉक किया तो तुमने दरवाजा खोला, तो तुम दरवाजा खोल के हेलो बोलोगे या बोलोगे नहीं 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 हेलो हेलो बोलोगे ना, है ना, तुम बोलोगे हाय, बोली नहीं बोलोगे, ये जय माता दी बोलोगे, अब नहीं होगा ना मैम, जैसे मतलब कब टाइम मिलेगा तो वो बोलेंगे नहीं 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 हाय तो बोली दोगे, इतनी तहजीब तो सब में होगी, एक हाय तो बोल ही सकते हो, नहीं तो फिर आप सुन लो भाई, कभी मिलो तो हाय बोल देना, मुंह फेर के भाग जाओगे। ना हम बोलेंगे हम आपको नहीं जानते, ठीक है, ये दोनों तो नहीं बोलेंगे, बाकी लोग हाय बोल देंगे। यस मैम, ठीक है, तो हाय से बोल देंगे हम, ठीक है, तो हाय से याद रखना है, हाय से याद रखना है कि दरवाजा एक बीच में मीडियम होता है ना, तो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता है ये दरवाजा, है ना, और खोलते सबसे पहले हाय बोलते हैं, तो हाइलम वर्ड याद रखना है। व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज अ रीजन, ध्यान से देखो इस पिक्चर में, जहाँ फ्यूनिकल एंड हुआ और ओव्यूल स्टार्ट हुआ उस रीजन को हम हाइलम बोलते हैं, देखा? है ना, तो जहाँ फ्यूनिकल एंड हुआ और जहाँ ओव्यूल स्टार्ट हुआ उस रीजन को हाइलम बोलते हैं। तो याद रखने ना, जहाँ बाहर का एनवायरमेंट खत्म हुआ और घर के अंदर का रास्ता स्टार्ट हुआ उस दरवाजे को हम हाइलम बोलते हैं, याद रखिएगा। नीट नीट वालों को ये टर्म पसंद है, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इतना स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा मेरे को बात बताओ, मुझे थोड़ा सा याद दिलाना, जैसे हम मेल में से बनाते थे, है ना, उसका टीस बनाते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते थे, उसके अंदर हम ऐसे सेल्स बनाते थे, क्या बुलाते थे इन सेल्स को? पेप्टम, माइक्रोस्पोरेंजियम, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बुलाते थे? स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, हाँ ठीक है। अब देखो जिसको ये आंसर याद नहीं आया था ना, और जिसको कंफ्यूजन हुई थी माइक्रोस्पोरेंजिया बोलू, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलू या टेपेटम बोलू, ये वो है जिन्होंने रिवाइज नहीं किया। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे, मैं तुमको इस स्पीड में करा रही हूँ कि तुम कर पाओ रिवाइज, अगर तुम रोज रोज रिवाइज नहीं करोगे तो ये चैप्टर इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा, उसके बाद संडे टेस्ट आएगा,
तुमसे टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं होगा, स्कूल में भी नहीं होगा, बिकॉज इसके टर्म्स बहुत ज्यादा क्लोज है. ठीक है, टेस्ट में परफॉर्म नहीं करोगे तो कुछ बच्चे तो कर ही जाएंगे, तो पता तो चल ही जाएगा मुझे कौन नहीं पढ़ा. वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन ऐसा थोड़ी है मैं बोलूंगी तूने नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन तुम्हारा लॉस हो जाएगा. क्योंकि अगर इसका वर्ड छूटने लग गया ना, फिर ये चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा. एंड मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं इससे, तीन चार क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन चार नंबर का. ये पेपर तुम्हें बहुत सारी वेटेज दे सकता है, ये वाला चैप्टर वो हो सकता है जो आपको एम्स में एडमिशन दिला सकता है या आईजीएमसी शिमला में एडमिशन दिला सकता है, समझ रहे हो. तो रिवीजन अगर छोड़ दी तो भूल जाओगे, क्योंकि तुम इंसान हो, रिवीजन छोड़ के सब भूल जाते हैं. मैं भी छोड़ दूंगी ना तो मेरे को भी चीजें भूलनी स्टार्ट हो जाएगी. इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो मुझे कुछ चीजें याद रह जाएंगी, लेकिन मुझे भी कुछ चीजें भूलने लग जाएगी. तो रिवीजन छोड़ना गलत है. ओके, तो ये मत करो अपने साथ. राइट, यस मैम. अब देखो ऐसे वहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू था, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, ये दिख रहे हैं यहाँ पर. यस मैम. इन ग्रुप ऑफ सेल्स का अलग नाम है, ये बुलाते हैं हम इन्हें न्यू सेलस. क्योंकि ओवरी एक स्वेलिंग है तो स्वेलिंग के पास सेलस वाले वर्ड है, स्वेलिंग से सेलस याद रखना. न्यू सेलस ग्रुप ऑफ टिश्यू विद इन द ओव्यूल. ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स विद इन ओव्यूल. लिख लो इसे, हो जाएगा. यस मैम. बेटा कोई भी इसको डाउट हो. नो मैम. ओके निशान, बच्चे समझ आ गया. यस मैम. ओके नाउ चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बार बता दो कि इसमें से हाइलम कौन सा है. चैट में बताना ए बी सी डी ई में से कौन सा हाइलम है. चैट में बोला मैंने, हाइलम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है. हाइलम दो बीच में दरवाजा, दो जगहों के बीच का रास्ता, हाइलम. तो ये रहा ना, बी इज फॉर ओवरी ओव्यूल, सी इज फॉर फिनिकल, और इन दिनों के बीच में जो पड़ा होगा दैट इज हाइलम. ई वुड बी द आंसर. राइट, चलो गुड. आइए अब हम बात करते हैं ओव्यूल के बारे में. एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि देखो ओव्यूल, अरे अरे डायग्राम तो मेरे को बताया नहीं तुमने, तुम्हें समझ आया नहीं. दो जी ए वाला डायग्राम, ओव्यूल दिख रहा है सबको. प्लेसेंटा दिख रहा है सबको. यस मैम. ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने वाली पाइप को क्या बुलाते हैं. फ्यूनिकल. फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो जगह है दैट इज हाइलम. और ग्रुप ऑफ सेल्स विद इन द ओव्यूल न्यू सेलस. न्यू सेलस. वेरी गुड, शाबाश. हो गया तुम्हारा, खत्म भी हो गया. और इस पूरी स्पेस को क्या बुलाऊंगी जो मैं ओवरी के अंदर है. लोकूल. वेरी गुड, चलो शाबाश. अब देखो अब क्या हुआ, अब तुमको कैसे याद रखना है कि ये तो ठीक है ओवरी के अंदर ये पड़ा था बहुत सारा न्यू सेल्स. ठीक है, उसने बहुत सारे सेल्स थे यहाँ पर, इतने सारे सेल्स थे कि ये थक गया. ये जब थक गया तो इसने क्या बोला, मैं रेस्ट करूंगा. तो अगर मैं तुम्हारे सर पर बहुत सारे मटके रख दूं तो तुम्हारा सेल कैसा हो जाएगा. ऐसे ऐसे गिरने लग जाएगा. बहुत सारा बाहर रख दो तो टिल्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे यहाँ पे आगे या पीछे कहीं तो गिरेगा. तो वो कहता है, ओव्यूल कहता है कि यार इतना सारा भार रख दिया ना, किसी किसी केस में ना वो गिर जाता है. भार की वजह से नहीं गिरता, पर हम याद ऐसे रखते हैं. ठीक है, तो मान लो ये ऐसे गिर गया, जो आपने मेन पढ़ना है, तो बिल्कुल ऐसे चला गया नीचे की तरफ. ओके, ये थी इसकी टिप. अब इसकी टिप आ गई यहाँ पर, दिख रहा है सबको. बेटा ये फ्यूनिकल है ना. ठीक है, तो देखो पहले पहले जो ओव्यूल था, ध्यान से देखना ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले ओव्यूल था ऐसे स्ट्रेट लाइन पे, अब ओव्यूल स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में बिल्कुल ही मुड़ गया. तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में ऐसे एंगल बनाते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होके बिल्कुल यहाँ आ जाए, तो कितने डिग्री का एंगल हुआ. 180 डिग्री ओव्यूल टिल्ट हो गया. ठीक है, तो 180 डिग्री ओव्यूल जब टिल्ट हो जाता है, ऐसे ओव्यूल को हम बुलाते हैं एनाट्रोफस. सो दिस इज एन एनाट्रोफस ओव्यूल. ओके,
लिखा था आपने? मैम देखो इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे एना नाम की लड़की से, ये रही हमारी एना, एना खुश थी हमारी, ठीक है। अभी हम एना को थोड़ा भूतसा बना देंगे बेचारी को। एना ने उठा लिए बहुत सारे मटके, एना कह रही इतने सारे मटके वो मटके डाल दिए तुमने, थोड़ी देर में हमने देखा एना के साथ क्या हुआ, एना की मुंडी फिरी घूम गई। अब एना थोड़ी डरावनी दिखाई दे रही है भाई। जिसमें 180 डिग्री का बेंड हो जाएगा ओव्यूल में, याद रहेगा एनाबेल से। अब नीट इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस लाइन से, तो हम इस लाइन को कवर कर लेते हैं कि ये वाले ओव्यूल आपको किसमें मिलते हैं। तो 80% जो एंजियोस्पर्म्स है उसके अंदर आपको ऐसे वाले ओव्यूल्स ही मिलते हैं जो कि 180 डिग्री बेंड है, ठीक है। मतलब अगर 100% मेरे सामने एंजियोस्पर्म है, मैं जंगल में बैठी हूँ, तो 80% के ओव्यूल्स ऐसे ही होंगे, ठीक है, ऐसे एनाबेल जैसे। ओके अब इसे देखो और तुम इस पिक्चर को देखना और तुम मुझे खुद बताना, ठीक है। ओके अच्छा, इस पिक्चर को देख के मुझे खुद बताना कि ये क्या बना। ओके ये थी टिप। ये ए स्ट्रक्चर क्या है जिसने ओविल को होल्ड कर रखा है? फ्यूनिकल के पास टिप आ गई ना, फ्यूनिकल के पास काफी पास आ गई ना टिप, है ना। और ये बी स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ तो बेटा हाइलम के रिस्पेक्ट में ये बेंडिंग 90 डिग्री नहीं होगी, हाइलम ऐसा था ये 90 डिग्री बेंड हो गया। ये बात सही है, यही बात अभी बताएंगे, पर उससे पहले एक और चीज बताती हूँ मैं। तुम दो दोस्तों की कहानी बताती हूँ, ठीक है। एक का नाम था माइक्रो पायलट, दूसरे का नाम था चलाजा। माइक्रो पायलट तो ठीक था लेकिन चलाजा थोड़ा चलाक था। एक दिन उन्होंने मोमोज खरीदे और एक मोमोज की प्लेट में 10 मोमोज थे, लेकिन चलाजा ने बहुत ही चलाकी से माइक्रो पायलट के मोमोज के ऊपर ज्यादा तीखी चटनी डाल दी। तो चलाजा ने जल्दी चलाकी से 6 मोमोज खा लिए, माइक्रो पायलट को कितने मिले? 4। तो माइक्रो पायलट और चलाजा के बीच में होगी लड़ाई, तो दे हेट ईच अदर, देयर इज अ फाइट। तो उन्होंने तलवारें निकाल ली, बोले तो कुछ नहीं, क्या निकालोगे तलवारों की जगह? दोनों बहुत नाराज है, इनके बीच में होगी फाइट। तो मुझे बताओ जिनके बीच में फाइट होती है, अगर एक पूरब में एक ईस्ट में जाएगा तो दूसरा वेस्ट में जाएगा या वो भी ईस्ट में जाना चाहेगा? वेस्ट। हाँ, जिसके बीच में लड़ाई है वो एक जगह थोड़ी जाएंगे, वो कहेंगे तो उस वाले जगह से जा, मैं इस वाले जगह से जाऊंगा, साथ में जाएंगे। तो दे आर ऑलवेज ऑपोजिट, हाँ ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना, सही बात है। अब देखो इससे हम कैसे याद करेंगे। ओके सबको क्लियर है इतना? अब देख बेटा कैसे याद करेगा कि ये जो डायग्राम था इसमें ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल बिल्कुल हाइलम है, ये माइक्रो पायलट, ये हमारा आ गया हमारा प्यारा सा ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा होता है? ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा होता है? एग। अगर एग, अगर जब जब पोलन ग्रेन बना रहे थे तो उसका जो जर्म सेल था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो हमने उसको कपड़े पहनाए थे। यस मैम। अगर एग भी इम्पोर्टेंट है तो उसको भी तो कपड़े पहनाएंगे ना मैम। उसको कपड़े पहना दे, इसके कपड़े कैसे दिखाई देंगे? ऐसे से कपड़े बनाओ भाई, इसे तो ठंड लग जाएगी, जल्दी बनाओ। ये पहना दिए मैंने कपड़े, ठीक है जी। अभी जो कपड़े आपने पहनाए हैं इन्हें हम क्या बुलाते हैं? दीज आर नोन एज, These are known as integuments. Integuments. हाँ, लेकिन मैंने कपड़े तो पहनाए, लेकिन तुमको ऐसा कोई रीजन दिख रहा है जहाँ पे कपड़े एब्सेंट है? Yes, ma'am. कहाँ दिख रहे हैं? सेंटर में, टिप के पास ना, टिप के पास ये। So, region where integument absent. इंटेगमेंट नहीं होता, वो
एब्सेंट, उसे हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलरेंट. तो मुझे बताओ अगर ये माइक्रोपाइलरेंट है तो बी वाले को मैं क्या बुलाऊं, चलाजल. इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट. ठीक है, दिखाई दे रहा है ये मैम? ठीक है बेटा, चैट में बात करनी है तुमने नहीं पढ़ना तो फिर मैं मतलब बोल दूंगी इन बच्चों का रिजल्ट. मैम कोई भी तो नहीं कर रहा है. ठीक है, क्या कर रहे हैं मैम ऐसे ही? ठीक है, तो मैं इन तीन बच्चों का रिजल्ट नहीं देखूंगी. ठीक है, फिर तुम अपना रिजल्ट खुद रेगुलेट कर लेना, है ना? मैं कौन तीन है? हाँ मैं मैं नहीं हूँ आज. जो भी है अपने आप देख लो. अगर आप चैट में बातें करोगे, अगर आप लोग चैट में बातें करोगे तो फिर मैं आप लोगों का रिजल्ट नहीं ध्यान दूंगी. आप लोग अपना रिजल्ट खुद देख लेना. आपको शायद नीट खुद से क्रैक करना आता होगा, तो मैं कितने एफर्ट डालू ना, मैं उन बच्चों पे एफर्ट डाल लेती जो पढ़ रहे हैं. राइट, मैंने पूछा नहीं है, मैं बता रही हूँ. देयर इज अ डिफरेंस, है ना? तो देयर इज अ डिफरेंस. ऐसा नहीं है ना मैं आपसे जबरदस्ती में प्यार प्यार से बातें करूंगी, आप मेरे लिए अच्छे कमेंट करो, क्लास में टिक जाओ, है ना? ऐसा नहीं है. अगर आपको लगता है आपका ऐसे ही नीट क्रैक होगा, मेरे से मत पढ़ो, कि आपको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं उस पर फोकस करूंगी. चाहे फिर वो एक ही बच्चा हो, वो अच्छे से पढ़ रहा हो, और यहाँ पे एक से ज्यादा बच्चे हैं, है ना? तो मैं उस पर फोकस करूंगी. तुम खेलो कूदो मजे करो, मैं तो खुद बोलती हूँ मजे करो. लेकिन ट्यूशन में जब मैं कुछ सीरियस पढ़ा रही हूँ तब ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है. मुझे ये लेक्चर कराने के लिए दो तीन लेक्चर नहीं चाहिए. मैं एक लेक्चर में पूरा फीमेल सिस्टम पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं इतना स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम यहीं सीख जाओ, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो. मैंने पूछा नहीं दीक्षा मैम. मैंने पूछा नहीं कि कौन पूछ रहा है, मैं बता रही हूँ. आप लोग चैट में बातें करोगे तो फिर मेरे को, मैं बोलूंगी नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, आप देख लो आपको आता होगा कुछ. ठीक है जी, तो ये है. अगर ये माइक्रोपाइलरेंट है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा दैट वुड बी चलाजल एंड. तो तुमको ऐसे याद रखना है कि माइक्रोपाइलर चलाजल दुश्मन है एक दूसरे से. ठीक है, तो उसको ऐसे याद रखना, दुश्मन ही है उनके बीच में. राइट, अब देखो, अब पीछे आओ, पीछे आओ और एनाट्रोपस ऑव्यूल पे आओ. अब देखो तुम्हें एक एक लाइन समझ आ रही है. यही ट्रिक होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसकी एनसीईआरटी रीड करो. अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है. अब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन निकल गए तो तुम्हारा टॉपिक डन, आगे वाले पे मूव ऑन कर देना. नहीं निकले तो भी पूछना कि क्यों नहीं क्वेश्चन निकल रहे, फिर सोचने की बात है ना. अब देखो एक एक लाइन पढ़ेंगे. प्रेजेंट इन अराउंड मोर देन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म, तो 80% एंजियोस्पर्म ऐसे होंगे एनाबल जैसे. ठीक है, इनमें ओव्यूल कैसा होता है, 180 डिग्री रोटेटेड. इसको ऐसे भी याद रह सकते हैं. देख 80% एंजियोस्पर्म में है तो 80 के साथ, 80% एंजियोस्पर्म में मतलब कि ये बहुत ज्यादा नंबर वन है ना, तो इसके आगे 180 लगा दे तो 180 ये टिल्टेड होता है, याद रह जाएगा. हाँ, तो जहां मौका मिले नंबरों के साथ ट्रिक लगा लिया करो, क्योंकि भूल जाता है ये. कैमरा ऑन कर भाई, कैमरा बंद करने को नहीं कहा मैंने. तो टिल्टेड रहता है. नाउ माइक्रोपाइल एंड, अब ये देख के बताओ मुझको कि जो माइक्रोपाइल एंड है ये किसके पास तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये ग्रीन वाली स्टॉक के पास दिखाई दे रहा है? यस मैम. इसे हम क्या बुलाते हैं? फ्यूनिकल. ओके, तो यही बात इसने यहाँ लिख दी कि माइक्रोपाइल एंड इज नियर द फ्यूनिकल. सही बात है. अब ये क्या बोल रहा है, इधर आ, जो हाइलम है वो इसके रिस्पेक्ट में, ओव्यूल के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री आता है. बोल रहा है हाइलम इज एट 90 डिग्री टू माइक्रोपाइलर. अब सारे पॉइंट समझ आए? अब हो जाएगा. इसको फटाफट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आता है. ओव्यूल ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, धीरे धीरे नीचे भी जाता है, बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन एनाट्रोपस सबसे इम्पोर्टेंट है. इसलिए पहले मैंने तुम्हें ये कराया, दूसरे भी कराऊंगी, टेंशन ना लो, पहले ये करो. ओके, है ना? जब हमारा बेस क्लियर होता है तो अब तुम्हें गिनती नहीं आती, मैं तुम्हें सीधा डिविजन सिखाऊं तो दिक्कत है, पहले गिनती सीख रहे हम. सबको क्लियर? अभी एनसीईआरटी की पिक्चर है, पेज नंबर बताए. 25 ये भी 25 पे है. देखो
25 पेज नंबर पे। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? अरे 25 पे नहीं है क्या? यस मैम 25 पे है। 25 पे ही है? यस मैम। ठीक है तो बेटा अब देख इस पिक्चर को कैसे पढ़ना है। देखती हूँ, मैंने देखो पीछे पढ़ाया तो मैंने कैसे बना के दिखाया था, ध्यान से देखना। इस पिक्चर में ऐसा बनाया ना, इसने कुछ नहीं करा, इसने इसको ओल्ड टिल्ट कर दिया अलग तरीके से। इसने कहा ओव्यूला, मैंने उल्टा ही बना दिया। अब इसने फ्यूनिकल ऊपर दिखाया है, तो कोई बात नहीं, फ्यूनिकल से बनता क्या है, ओव्यूल ही बनता है ना। ये बन गया ओव्यूल, ऐसे बनाया है। अब ओव्यूल के कपड़ों को क्या बोलेंगे हम? एग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स। हाँ ये रे इंटेग्यूमेंट्स बना, ये मैम है ना। तो देखो इस हमने ऐसे पढ़ा, आप आगे ऐसे ही पढ़ोगे एनसीईआरटी में, लेकिन ये पिक्चर ही ऐसे दिखा देता है इस तरीके से खतरनाक सी। ठीक है तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो उल्टा नीचे कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चलना है, तुमको ना कुछ नहीं करना है। जब भी तुमको ओव्यूल दिखेगा ना, तुम्हें भाग के किसको ढूंढना है, भाग के ढूंढ लो माइक्रोपाइलर एंड को। माइक्रोपाइलर एंड ढूंढो, मिला अपनी पिक्चर में, ढूंढो अपने एनसीईआरटी में, मिला? यस मैम। ये रहा, ये मिला। तो बेटा उसके आगे लिख ले रीजन वेयर क्या एब्सेंट है, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, वेरी गुड, शाबाश। लिख ले वही, लिख ले, दिख रहा है तुझे? अब देखो याद है ये एनोट्रोपस है, तो बिल्कुल माइक्रोपाइलर के साथ कौन सा एंड दिखेगा तुझे, क्या दिखेगा तुझे? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ये देख ये इसके साथ फ्यूनिकल है, दिखा? मैं सारे सारे डायग्राम मिटा रही हूँ, बस इस पे ध्यान दे। तो जहां मैं रखूँ उसे देखना, देखो ये माइक्रोपाइलर है वन, इसके बिल्कुल साथ फ्यूनिकल है, ये टू फ्यूनिकल हो गया। और फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का रीजन क्या था? हाइलम। ये रहा हाइलम, देख ये रहा इसका मुंह, हाइलम, ये रहा हाइलम, है ना। अब जो कपड़े हैं, जो बाहर वाले कपड़े, उसे आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले कपड़े को इंटर इनर इंटेग्यूमेंट, और बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बुलाते हैं हम? न्यू सेल्स। इसके अंदर इन्होंने रखा एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर आपको मिल जाएगा आपका एग अंदर जाके, तो ये एम्ब्रियो सैक कुछ अंदर है। तो ये वाला, अब मुझे बताओ अगर माइक्रोपाइलर यहाँ है, माइक्रोपाइलर अगर यहाँ है तो चलाजल कहाँ होगा? उसके ऑपोजिट। यस वेरी गुड। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चैट में बताएंगे सारे, ठीक है? पिक्चर नंबर वन है, पिक्चर नंबर वन है, ध्यान से देखना। तुमने बता दिया तो मजे आ जाएंगे, इससे मैं खुश हो जाऊंगी बहुत सारा। ये वैसे तो मैं खुशी रहती हूँ, कभी कभार मेरे सर में दर्द होता है, आई थिंक बुड्ढे होने का असर होता है ये। तो ये बताओ बी क्या है और ये ए को मैं क्या बोलूं, चैट में ठीक ना बाप, प्लीज चैट में। हेलो नेहा। हेलो मैम। हाँ तन्वीर, नीट में क्या? निशांत ये क्या लिखा है? निशांत तेरा ऐसी बातें नहीं करनी। हाँ तन्वी, नीट में एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तब भी तो तुझे एक एक लाइन कराती हूँ, है ना अनीशा? माइक्रोपाइलर, मुझे लगा था माइक्रोपाइलर सोचेगी। ये अगर माइक्रोपाइलर है, लेट्स से ये मेरा हाइलम है, अब मुझे बता वो बी ए रीजन क्या होगा? गुड, दिस इज अ माइक्रोपाइलर वन एंड दिस इज अ चलाजल वन, है ना? कर लोगे ना अब? अब कंफ्यूज मत होना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो ये डायग्राम हो जाएगा सबका। अब चलो सब फटाफट से क्वेश्चन देखो, ये आपका अभी रिवीजन करते हैं इसको, कि आपको समझ आ गया सब कुछ या नहीं, ये इम्पोर्टेंट थी इसलिए टाइम लगाया। तो मुझे लेबल करके बता दो, एक साथ बताना ए बी सी डी ई क्या है, और उसके एंड में मुझे एक पॉइंट लिख के बताना कि एनोट्रोपस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में तुम्हें एक क्या पॉइंट पता है। स्टार्ट, 2 मिनट्स आपके पास, एक साथ आंसर लिखना फिर एंटर दबाना, देखते कौन सही से करता है आंसर। करो करो करो, सोचो अच्छे से करो।
भी आंसर नहीं आए। ओके आंसर आने स्टार्ट हो गया। ओके वेरी गुड दिशा। वेरी गुड। निशान दीनी मुझे समझ आया बेटा क्या लिखा तूने। दी इज नॉट चलाजुल। गुड नेहा। गुड आर्यन एक आंसर बेटा। हाँ हाँ अब ठीक है। गुड निशान। गुड गुड अब ठीक है। अच्छा माइक्रो पायलट की स्पेलिंग। गुड आर्यन। चलो सो पता चल गया हमको कि जो डी है वो है प्लेसेंटा, सी है माइक्रो पायलट, ए है हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स, ई है हमारे पास चलाज़ और बी है हमारे पास फ्यूनिकल। गुड गुड काजल। वेरी गुड अनिशा, नेहा, भुवनेश्वरी, श्रुति, हर्षिता, हर्ष सिरप, तान्या। वेरी गुड प्रवीण। गुड गुड। अब इसका आंसर बताओ। एक पॉइंट लिखो एनाट्रोपस ऑर्गन के लिए जो तुमको याद है। खुद से लिखना देखना मत। गुड तनप्रीत। गुड प्रदीपक। एक पॉइंट एनाट्रोपस और व्हील का। एनाट्रोपस और व्हील के बारे में कुछ भी याद है? यस गुड यस गुड। 80% डिग्री व्हाट बेटा? 180 डिग्री क्या? स्टेटमेंट तो पूरी लिख। प्रेजेंट इन 80 प्लस एंजियोस्पर्म। वेरी गुड प्रवीण। वेरी गुड हर्षे सिरप। वेरी गुड अनिशा। वेरी गुड भुवनेश्वरी। इनकम्प्लीट आंसर। वेरी गुड तान्या। वेरी गुड नेहा। यस गुड। सबको एक एक पॉइंट याद है। वेरी गुड आर्यन। गुड गुड शाबाश। गुड तन्वी। श्रुति इनकम्प्लीट। हरीश इनकम्प्लीट। गुड तान्या। गुड शाबाश। सो आई होप आप लोगों को समझ आया। किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम ओके चलो एक बार मैं अटेंडेंस टैली कर लूं फिर आप लोग जा सकते हैं। नताशा, श्रुति, यस मैम, शाली, आस्था, अंकिता, लिनिका, यू है ना? लिनिका के शायद इंटरनेट इश्यू है बिकॉज लिनिका वाज देयर। मैं देखा उसे क्लास में। त्रिशा क्लास के बाद पूछ लेंगे। साक्षी नॉट हियर। इशिता कुमारी, यस मैम। मैं वो सोची इशिता तो एब्सेंट नहीं होती हमारी। रोहित, नो मैम। उदय, यस मैम। आ गया। दिव्या अभिमन्यु, वंश कौंडल, आर्यन, कशिश, यस मैम प्रेजेंट। आगे आशीष कुमार, मन्नत, नेहा कुमारी, यस मैम। ओके सुना सलोनी। ओके किसी के अटेंडेंस रहती है? नो मैम। नो ओके बच्चों तो बेटा जो भी ग्रुप में मैसेज आता है वो आपकी अगर वो भी आती है प्रेजेंटेशन